हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिक्स्थ सेमेस्टर के स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट एजुकेशन के बारे में, जिसका नाम है मीडिया इन एजुकेशन। ठीक है, संचार में शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम इसके यूनिट वन के पार्ट टू को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो जो आपका आज का वीडियो है वो है प्रदर्शन कला और दृश्य कला के माध्यम से शिक्षा संचार। चलिए देखते हैं कला से क्या आशय है, इसके विभिन्न आयामों की विवेचना करें। ठीक है, तो कला से क्या तात्पर्य है और उसके जो आयाम हैं अलग अलग, उनके बारे में आज की वीडियो में वर्णन करेंगे। तो देखें तो कला का अर्थ आर्ट है। ठीक है, कला शब्द है, उसका अर्थ क्या है, आर्ट इंग्लिश में। यह लैटिन भाषा के आर्क शब्द से बना है। कला के शिल्प अथवा शिल्पीय विशेष है। ठीक है, तो ये जो कला शब्द है या फिर आर्ट जो शब्द है ये कहाँ से बना है, ये लैटिन भाषा के आर्क शब्द से बना हुआ है। प्राचीन भारतीय मान्यताओं में कला के लिए शिल्प और कलाकार के लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो प्राचीन भारत में अगर आप देखेंगे तो कला शब्द के लिए शिल्प का यूज़ किया जाता था शब्द का, और कलाकार व्यक्ति जो कलाकारी करता था उसके लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग किया जाता था। कला का अर्थ अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है, यद्यपि इनकी अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। कला के अर्थ को समझने के लिए उसकी संभावनाओं को समझना आवश्यक है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि कला का अभी तक कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन या फिर प्रॉपर डिटेल नहीं दी गई है। ठीक है, इसको समझ अगर हमें कला को समझना है तो उसके लिए हमें उसकी संभावनाओं को समझना पड़ेगा। मानव मस्तिष्क की सबसे ऊंची प्रखर कल्पना है। ठीक है, तो कला क्या है, मानव मस्तिष्क की सबसे ऊंची और प्रखर कल्पना, जो आप कल्पना करते हैं वो है कला प्रदान करती है। कला क्या प्रदान करती है, मानव हृदय में सुखद भाव एवं अर्थपूर्ण अनुभूतियां मानव हृदय में प्रदान करती है। यूरोपीय शास्त्रियों ने कला में कौशल को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, तो यूरोप में काफ़ी सारे शास्त्रियों ने जो कि पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उन्होंने क्या करा, कला में कौशल को एक महत्वपूर्ण माना है। कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कला क्या है, कृत्रिम निर्माण, जब एक व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक कौशल से किसी चीज़ का निर्माण करता है तो वो कला कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब आप एक पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपना शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों का प्रयोग करके एक पेंटिंग तैयार करते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी कला कहलाती है। फिर बात करें कला के विभिन्न आयाम एवं शिक्षा में उस इसकी उपयोगिता, कला का वर्गीकरण, कला तो आयाम देख लें, कला के दो प्रकार के आयाम होते हैं, दृश्य कला और प्रदर्शनकारी कलाएँ। दृश्य कला में तीन आती हैं, पेंटिंग, ठीक है, मूर्तिकला और वस्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। साथ में प्रदर्शनकारी में आती है काव्य कला और संगीत। ये पांच तरह की चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो बात करें हम पहले दृश्य कलाओं की, तो चित्रकला की बात करें, समस्त शिल्प और कलाओं में प्रधान एवं सर्वोपरि चित्रकला को माना गया। ठीक है, तो जो आप कह सकते हैं कला के क्षेत्र में चित्रकला को सबसे सर्वोपरि माना गया है। ठीक है, तो क्या है, चित्रकला में भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक तीनों का रूप मिक्सचर है। आधुनिक चित्रकारी कल्पना में पूर्ण विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो चित्रकला जो है पेंटिंग, ये ज़्यादातर किस पे बेस होती है, किसी व्यक्ति की कल्पना पर। ठीक है, उसकी थिंकिंग पर, कि वो कितना अच्छा किसी चीज़ को महसूस कर पाता है, सोच पाता है। भारत में अमृत शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा सुजा हल्दर, यमेन रिय, एमएफ हुसैन, सतीश गुजराल आदि मुख्य हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने नाम बताए ये लोग मुख्य हैं चित्रकला के क्षेत्र में। अगला आता है मूर्तिकला। भारत में मूर्तिकला को अत्यंत प्रतिष्ठिमान माना गया है। ठीक है, तो भारत में मूर्तिकला को क्या माना गया, अत्यंत प्रतिष्ठिमान, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठि प्राप्त है। भारतीय मूर्तिकला की अद्भुत कला को देखकर सारा विश्व मंत्रमुग्ध हो जाता है। ठीक है, तो भारत में कुछ इस प्रकार की आप कह सकते हैं मूर्तिकलाओं है जिसे पूरे विश्व ने पहले कभी भी नहीं देखा। ठीक है, और जिसको देखकर पूरा विश्व क्या हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। मंदिरों में निर्मित मूर्तिकला अलग अलग शासनकाल
अलग अलग सभ्यता संस्कृति से हमें अवगत कराती है। ठीक है, तो मंदिरों पे काफ़ी सारी मूर्ति कलाएँ बनाई गई हैं जो कि हमें अलग अलग शासनकाल और सभ्यता के बारे में क्या करती है, बताती हैं कि उस समय किस प्रकार की व्यवस्था थी, किस प्रकार की चीज़ें थी। मूर्तिकार मिट्टी, पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धातु, लकड़ी, नारियल की मूर्ति बनाकर उन्हें सजाकर रंग भरकर उन्हें ऐसा बना देते हैं मानो कि सजीव खड़े हों। ठीक है, तो जो मूर्तिकार होता है वो अपनी मूर्ति को जितना ज़्यादा सजीव बनाने की कोशिश करेगा उतना ही वो आप कह सकते हैं कि वो मूर्ति ज़्यादा प्रचलित होगी, क्योंकि जितना सजीव होगी उतनी ज़्यादा वो प्रचलित होगी। और वो किस किस चीज़ पे बनाते हैं, मिट्टी पे बना लेते हैं, पत्थर पर बना लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करके बना लेते हैं, धातु, लकड़ी, नारियल, इन सब पे वो अपनी मूर्तियाँ बना सकते हैं। तंजकार के मंदीश्वर स्वामी के मंदिर में गणेश की मूर्ति, मल्लूर के विषय मंदिर में रति व कामदेव की मूर्ति आदि कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ठीक है, तो जो गणेश की मूर्ति है और रति कामदेव की जो मूर्ति हैं अलग अलग मंदिरों में, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस मूर्तियों में से एक हैं। फिर आता है भारतीय मूर्तिकला के तीन प्रमुख प्रयोजन। भारत में जो मूर्तिकला है उसमें तीन प्रमुख चीज़ें हैं, धार्मिक, स्मारक, अलंकरण। ठीक है, धार्मिक तौर पर बनाई जाती है मूर्ति, स्मारक बनाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर लोग आएँ और विजिट करें। ठीक है, वो स्मारक होते हैं जो पुराने समय में बनाए गए परंतु अब वो सिर्फ लोगों के देखने के लिए में प्रयोग आते हैं। और आते हैं अलंकरण। फिर आता है आधुनिक भारतीय मूर्तिकार में देवी प्रसाद राम चौधरी, राखो चौधरी, धनराज भगत और राम किंकर नाम आदि प्रचलित हैं। फिर आता है वास्तुकला। वास्तुकला का साधारण अर्थ है उन भवनों का निर्माण कला जहाँ निवास किया जा सकता है। ठीक है, तो वास्तुकला में उन भवनों को बनाया जाता है जहाँ पे लोग रह सकें, ठीक है, अपना जीवन व्यतीत कर सकें और अच्छे से अच्छे वो आप कह सकते हैं भवनों का निर्माण किया जाता है। सुनियोजित नगर निवेश, पक्की ईंटों के बने सार्वजनिक और निजी सड़कें, जल विकास की नालियाँ सिंधु सभ्यता की वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में एक से बढ़कर एक आप कह सकते हैं वास्तुकला का प्रयोग किया गया था। वहाँ पे नालियों को बहुत अच्छा बनाया गया था। ठीक है, नालियों के बाद नालों को बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। घर में स्नान गृह जो थे उनको अच्छा बनाया गया था। घर का आप कह सकते हैं इस प्रकार से बनाया गया था कि किचन एक तरफ, स्नान गृह एक तरफ, आंगन एक तरफ, इस प्रकार से इसका निर्माण किया गया था। प्रमुख शास्त्रकार में वास्तुकला के तीन आकार शैल्पियों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो प्रमुख शास्त्रकारों ने क्या करा है, तीन प्रकार के शैलियों का उल्लेख किया है। नागर ब्रह्मा से संबंधित, द्रविड़ विष्णु से संबंधित, बेसर महेश से संबंधित। अन्य कलाओं के भांति इस कला का भी संबंध भी सौंदर्य से है। ठीक है, तो अन्य कलाओं के भांति इस कला का भी संबंध किस चीज़ से है, सुंदरता से है। फिर आती है प्रदर्शनकारी कलाएँ। प्रदर्शनकारी कलाएँ से क्या तात्पर्य है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स, आपको कहीं जाके परफॉर्म करना है। पहले आती है काव्य कला, पोएट्री। काव्य विचारों भावों का संप्रेक्षण है। भिन्न भिन्न समय कालों में विभिन्न वर्गों के कवियों ने काव्य प्रेरणा, काव्य भिन्न होती हैं। अब इसमें क्या बताया गया कि काव्य क्या है, आपके जो विचार हैं उनको आप गाने कह, आप एक प्रकार से कविता के थ्रू आप अपने विचारों को लोगों को बता रहे हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग कवियों ने अलग अलग प्रकार की क्या दी है, कविताएँ प्रस्तुत करी हैं। जैसे ब्रह्मा जाति और जगत कि किसी दृश्य घटना, परिस्थिति या अवस्था का अभाव, व्यक्ति, आचार्य या मित्र की प्रेरणा, किसी विचार या जीवन दर्शन की अलौकिक प्रणय, विहार या शोक अनुभूति। ठीक है, तो ये सब चीज़ें के ऊपर अलग अलग समय पर लोगों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की हैं। फिर आता है संगीत कला। संगीत कला से तात्पर्य है कि स्टेज पर जाके ग्रुप जो संगीत करता है वो आपको प्रदर्शन करके दिखाता है, जिसमें कौन कौन होता है। संगीत के विभिन्न आयाम हैं, गायन, वादन और नृत्य गायन के क्षेत्र में तानसेन बेजू से लेकर पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज के नाम विशिष्ट सम्माननीय है। ठीक है, तो संगीत कला में तीन प्रकार की चीज़ें होती हैं, गायन मतलब गाना, उसके बाद आता है वादन, किसी चीज़ को बजाना, जैसे कि तबला, वीणा, बांसुरी, सारंगी। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब वादन में आती हैं। फिर आता है नृत्य गायन, मतलब नाचते नाचते गाना। फिर आता है कला और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, कला और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, इसके ऊपर बात करें तो शिक्षा में कला, कला के विभिन्न आयामों को समझने के बाद शिक्षा में कला के स्थान और महत्व की विवेचना और व्यापक परिदर्शिता निम्न स्तर पर है, निम्न प्रकार से हैं। कला सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के उत्कृष्ट
उत्कृष्ट महत्वपूर्ण विधा है। कला क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण विधा है, विधा। विषय में सजीवता की अनुभूति को जागृत करने में कला विशिष्ट भूमिका निभाती है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर विषय में अगर आपको सजीवता लानी है तो वहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? कला का प्रयोग करना पड़ेगा। पाठ्य पुस्तक में मात्र तथ्य और सूचनाओं का ही संग्रह हो तो विषय वस्तु नीरस और उब जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, सिलेबस बुक्स हैं, वो क्या है, उसमें आपको सिर्फ फैक्ट्स पढ़ने को मिलेंगी, डिटेल्स पढ़ने को मिलेंगी, नॉलेज पढ़ने को मिलेगी, परंतु कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि आपको क्या बनाती है, एक प्रकार से आपकी रुचि को बढ़ाती है। ठीक है, तो बच्चे क्या जाते हैं, उब जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, उब जाते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा बोझ बन जाती है। कला ऐसी स्थिति के माध्यम ऐसी स्थिति में माध्यम के रूप में संज्ञानात्मक समझ को विकास करती है। अब क्या करती है, ऐसी स्थिति में जब स्टूडेंट्स बोर होने लगते हैं तो कला क्या करती है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाती है। चित्रों के माध्यम से विषय वस्तु जिज्ञासा जगाते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी बुक्स में चित्रों के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, आपकी जो रुचि है वो अधिक से अधिक बढ़ेगी, क्योंकि वो क्या करती है, जिज्ञासा को बढ़ाती है। बालक शैशवावस्था से ही चित्रों को देखकर वस्तुओं को पहचानना आरंभ करता है। चित्रों के द्वारा अध्ययन कर विद्यार्थी विषय वस्तु को सरलता और स्पष्टता से सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो चित्रों को देखकर स्टूडेंट्स जल्द से जल्द किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। चित्रों द्वारा शिक्षार्थी जो स्टूडेंट्स होते हैं में रचनात्मक क्षमता, सौंदर्य बोध और आलोचनात्मक विकास का आलोचनात्मक समझ का विकसित होती है। चित्रों के द्वारा क्या होती है, शिक्षार्थी में रचनात्मक, उसमें अधिक से अधिक क्रिएटिविटी पैदा होगी। ठीक है, सौंदर्य बोध, सुंदरता को देखने का बोध उसमें आप कह सकते हो उत्पन्न होगा, और आलोचनात्मक समझ, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें उत्पन्न होगी। कला, कला ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करती है। ठीक है, कला क्या करती है, ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करती है, जिससे मस्तिष्क क्रियाशील होता है, जिससे मानव का जो दिमाग है वो क्रियाशील कार्य करना शुरू कर देता है, एक्टिव हो जाता है, और विषय वस्तु की निरसता को बहुत हद तक कम कर देती है। ठीक है, तो जिस विषय में हम पढ़ रहे हैं उसकी जो बोरियत है, आप कह सकते हैं निरसता है, जिससे बच्चे बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं एक चीज़ को पढ़ के, उसको बहुत हद तक कम कर देती है। कला संवेदनाओं के माध्यम से बालक के व्यवहार को संशोधित और परिमार्जक करती है। ठीक है, तो कला क्या करती है, संवेदनाओं से बालक के व्यवहार को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य बालक को सिर्फ पुस्तक ज्ञान देते हैं अपितु उसे भविष्य अपितु देते हैं नहीं अपितु उसे भविष्य में सामाजिक को वाहन योग्य बनाना। ठीक है, तो इसमें काफ़ी गलतियां हैं इस लाइन में लिखने में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बुक स्कूली जो शिक्षा होती है वो आपको क्या देती है, वो आपको सिर्फ बुक्स की नॉलेज देती है। ठीक है, परंतु अगर आप कला का प्रयोग करते हैं तो आप बुक्स की नॉलेज के साथ साथ क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को जीने और भविष्य को अच्छे से जीने की तरीके भी जान पाते हैं। कला शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपागम है। यह बालक के मस्तिष्क को संवेदनशील बनाती है। संवेदनशीलता शिक्षा के सकारात्मक पक्ष को परिभाषित करता है तथा व्यक्ति को खंडित होने से बचाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कला संगीतपूर्ण संबंध विकसित होने में सहायता करती है। ठीक है, तो जो कला होती है वो मानव के मस्तिष्क या फिर बच्चों के मस्तिष्क को एक्टिव बनाती है। ठीक है, जिससे कि वो क्या होता है, वो और अच्छे से काम कर पाता है। फिर आता है, कला के माध्यम से ही बालक मन को हर समाज, देश की सभ्यता, संस्कृति, रुचि, अनुभूति, जीवन दर्शन से परिचित किया जाता है। ठीक है, तो कला के माध्यम से ही एक बच्चे को क्या करा जाता है, अलग अलग देशों के बारे में बताया जाता है, उसकी वहाँ की सभ्यताओं के बारे में बताया जाता है, तो उसकी रुचि बढ़ती है उन सब चीज़ों को बारे में जानने में। ठीक है, वहाँ की संस्कृति और जीवन दर्शन के बारे में भी बताया जाता है। कल्पनाशीलता कला का जन्म है। दूसरे शब्दों में कल्पनाशीलता निहित है और कल्पना ही सृजनात्मक का आरंभ है। अंत हम कह सकते हैं कि सृजन कला का परिणाम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कला है वो कहाँ से पैदा हुई है, एक प्रकार से कल्पनाशीलता से। कल्पना, आपने कुछ सोचा, आपने उस चीज़ की कल्पना करी और उसके बाद आपने उसको, अगर आप पेंटर हैं तो आपने उसे पेंटिंग में बना दिया, अगर आप गायक हैं तो आपने उसे गाने के रूप में गा दिया, या फिर अगर आप कह सकते हैं कि कवि हैं तो आपने उसको कविता के रूप में लोगों को प्रस्तुत किया, तो ये क्या कहलाती है, आपकी कल्पना से शुरू होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में कल्पना ज्ञान
से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कल्पना क्या है, जो सोचना है, कल्पना है, वो ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस कथन से कल्पना के महत्व को ज्ञान के संबंध में समझा जा सकता है। फिर आता है कला का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, कला का समाज पर क्या प्रभाव है, इसको देख लेते हैं। प्रत्येक समाज की अपनी एक कला स्वरूप विशेषता होती है। ठीक है, तो जो भी भारत में या फिर आप कह सकते हो तो पूरे विश्व में जितने भी समाज हैं उनकी अपनी एक क्या होती है, कला स्वरूप विशेषता होती है। सामाजिक परिवेश कला, सामाजिक परिवेश कला के स्वरूप पर अपना प्रभाव करते हैं। ठीक है, तो समाज क्या करता है, कला के स्वरूप पर अपना प्रभाव डालता है। सामाजिक व्यवस्था वे परिवर्तन के साथ भी परिवर्तित होता है। ठीक है, क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था के साथ भी हमारी कलाओं में परिवर्तन आते हैं। जैसे अलमीर चित्रकला में तत्कालीन मिथ परंपराओं की झलक मिलती है। प्रत्येक देश में उनके सामाजिक रीति रिवाज, धर्म और विश्वास में वहाँ की कला प्रेरित होती है। ठीक है, तो जिस भी देश की हम बात करें वहाँ पे अगर हम देखें उनके उनके रीति रिवाज, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनके धर्म और विश्वास को देखें तो हम उनकी कलाओं को क्या करेंगे, पहचान पाएंगे। जैसे इजिप्ट का पिरामिड, विभिन्न कलाओं की मूर्ति, वस्तुकला, नाट्यशाली, नाट्यकला, साहित्यकला, प्रेमचंद्र का साहित्य, निराला का साहित्य, टैगोर का साहित्य आदि। ठीक है, तो पिरामिड जो है इजिप्ट के, उसमें आपको वहाँ पे मूर्तिकला देखने को मिलेगी, वास्तुकला देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें भारत में तो आपको नाट्यकला भी कई जगह देखने को मिलती है, साहित्यकला जिसमें प्रेमचंद्र का साहित्य, निराला का साहित्य, टैगोर का साहित्य देखने को मिलते हैं। कुछ अभिव्यक्ति पर सरकार, समाज का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो कई ऐसी कलाएँ हैं जहाँ पर क्या होता है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर कलाओं पर किसका नियंत्रण है, सरकार या फिर आप कह सकते हैं समाज का नियंत्रण है। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको। इससे स्पष्ट होता है कि कला का प्रभाव समाज पर आश्रय पड़ता है। ठीक है, तो इससे साफ पता चलता है कि कला का प्रभाव भी समाज पर पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है कला समाज का हिस्सा है। कला के माध्यम से ही कलाकार सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाज और नैतिक मूल्यों को वास्तविक जीवन में रंग भरने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि कला एक समाज का हिस्सा है और कला के द्वारा ही समाज में कई सारी चीज़ें की जाती हैं। वास्तविक जीवन में रंग भरने का काम कौन करते है? कला करती है। समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कला का विकास किया गया है। ठीक है, तो सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, समाज की आवश्यकताएं, उन सबको ध्यान में रखकर ही कला का निर्माण किया गया है। कला का संबंध सर्जनशीलता से है, क्रियात्मक से ना है, ना कि विध्वंसक से है। ठीक है, तो कला का संबंध किससे, सर्जनशीलता, किसी चीज़ का सर्जन करना, ठीक है, उसको बनाना, क्रियात्मक, उसके ऊपर क्रिया करना, ना कि विध्वंसकता से है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कला समाज को जोड़ने का कार्य करती है, ना कि उसे तोड़ने का कार्य करती है। फिर आता है नाटक। नाटक कला क्या है, विभिन्न तत्वों का वर्णन करें तो हम नाटक कला के बारे में बात करते हैं। नाटक का अर्थ श्रव्य दृश्य कला, ऑडियो विजुअल आर्ट। नाटक एक स्वतंत्र साहित्य विद्या है। ठीक है, नाटक क्या है, स्वतंत्र साहित्य विद्या है और इसका प्रस्तुतीकरण एक उत्कृष्ट कला है। ठीक है, नाटक को प्रस्तुत करना लोगों के सामने एक उत्कृष्ट कला, एक बहुत अच्छी कला है। नाटक का प्रभाव इसकी प्रस्तुतीकरण और प्रदर्शन पर निर्भर करता है। तो नाटक का प्रभाव किस चीज़ पर आप कह सकते हैं पड़ता है, कि लोगों ने उस नाटक को किस प्रकार प्रदर्शित किया है। जितना अच्छा वो प्रदर्शित करेंगे उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नाटक एक प्रदर्शनकारी कला है जिसे मंच पर किसी घटना का वास्तविक रूप का अनुकरण करके दिखलाया जाता है। तो ठीक है, तो नाटक क्या है, किसी घटना को प्रस्तुत करने का एक तरीका है जो कि हम कहाँ दिखाते हैं, स्टेज पे दिखाते हैं, मंच पे दिखाते हैं। मनुष्य प्रारंभ से ही प्रकृति का अनुसरण करता रहा है। जैसे जैसे चेतना विकसित हुई, अनुसरण की प्रक्रिया में फलस्वरूप उसके दिमाग में कई प्रकार की घटनाओं का समावेश हुआ, इसीलिए नाटक को विभिन्न घटनाओं का अनिवृत्त कहा गया है। ठीक है, तो मानव ने शुरुआत से ही प्रकृति का अनुसरण किया है। प्रकृति को वो और अच्छे से समझने की मानव ने क्या करी है, कोशिश करी है। जैसे जैसे मानव की चेतना विकसित हुई, उसका दिमाग विकसित हुआ, अधिक से अधिक मानव ने क्या करा है, अपने दिमाग का प्रयोग करके घटनाओं को समावेश किया है। विभिन्न आयामों के द्वारा नाटक का मंचन किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे आयाम हैं जिनमें नाटक का क्या करा जाता है, मंचन किया जाता है, जिससे मुख्य व्यक्ति, अभिनय, वेशभूषा आदि के उपयुक्त संयोजन द्वारा नाटक का यथार्थ रूप में मंच पर होते हुए दिखलाया जाता है। ठीक है, तो एक नाटक को प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे मुख्य व्यक्ति, अभिनयकर्ता, वेशभूषा आदि, ये सब चीज़ें कहाँ चाहिए होती है, नाटक के लिए चाहिए होती है। जैसे लोग
मानस पटल पर उस घटना को काल्पनिक रूप से विषय वस्तु से वाकिफ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब नाटक प्रस्तुत किया जाता है तो मैं आपको बताऊं तो लोग उस घटना से क्या होते हैं, परिचित हो जाते हैं जिस घटना के बारे में ये नाटक हमें बता रहा है। फिर आता है नाटक की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामा। भारत में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र लगभग 3000 वर्ष पुराना सबसे पौराणिक पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, तो प्रमाणिक पुस्तक सबसे पुरानी कौन सी मानी जाती है, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र। ड्रामा अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जिसे ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक्शन या कार्यवाही। तो ठीक है, तो ड्रामा शब्द को कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, एक्शन या फिर कार्यवाही, अर्थात नाटक थिएटर में अर्थात प्रेक्षक गृह में स्टेज पर कलाकारों द्वारा दर्शकों के सामने पूर्व निर्धारित कथा के भावों को अपने रूबरू तथा एक्टिंग के द्वारा प्रस्तुत करना। ठीक है, तो थिएटर में या फिर कहीं भी स्टेज पे ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, ठीक है, नाटक कहलाता है, जहाँ पे वो लोग किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो। इसे सामूहिक रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो नाटक को सामूहिक रूप में देखा जाता है। नाटक चाहे स्तर पर हो, नाटक चाहे किसी भी स्तर पर हो, विश्वविद्यालय या समाज में सामाजिक सार्वजनिक मंच पर हो, यह विद्यार्थी के मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो मान जो नाटक है वो किसी भी स्तर पर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह क्या करता है, विद्यार्थी स्टूडेंट के दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा असर करता है। नाटक व्यक्ति के विचारों और कल्पना में भी व्यापक परिवर्तन लाता है। नाटक के द्वारा समाज के कई ज्वलनशील मुद्दों को दिखलाया जाता है, जिससे बालक उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो नाटक के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ों को बतलाया जाता है, जिससे क्या होता है, लोग प्रभावित होते हैं। कैथोलिक कैलेंडर का कथन है, नाटक के द्वारा शिक्षा देने का कोई शैक्षिक मॉडल तो उपलब्ध नहीं है, किंतु नाटक द्वारा शिक्षा में एक और तो अनुभव का अर्थ स्पष्ट होता है, तो दूसरी ओर अभिनेता के रूप में हम अपनी व्यक्तिगत सोच को संचार के सम्मुख रख पाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या पता है, कैथोलिक गैलेंडर ने क्या बताया कि नाटक करने या फिर नाटक प्रस्तुत करने का कोई एक मॉडल तो तैयार है नहीं, परंतु फिर भी हम नाटक करते हैं तो ये क्या करता है, व्यक्ति के जीवन पर, स्टूडेंट की लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, दूसरा इसमें बताया गया कि अभिनेता के रूप में जो नाटक प्रस्तुत कर रहा है और स्टूडेंट देख रहा है, तो स्टूडेंट अपने आप को उस अभिनेता के स्थान पर भी रख के देखते हैं और जो भी अपनी परेशानियाँ संसार के सामने रख पाते हैं। संसार में अपने को किसी प्रकार के व्यक्त किया जाए और पारस्परिक संबंधों का स्वरूप हो, इसे आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, तो हम नाटक देख के आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमें अपनी चीज़ों को संसार के सामने व्यक्त करना है। फिर आता है 1858 में यूनेस्को के सहयोग से भारतीय नाट्य संघ ने एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। ठीक है, 1958 में यूनेस्को की तरफ से हेल्प से इंडिया ने क्या करा, भारतीय नाट्य संघ एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। हिंदी नाटकों के लेखकों के इतिहास पर अगर नज़र डाल दें तो हमें जान पड़ता है कि नाटक का लेखन का इतिहास भरतेंदु हरिश्चंद्र के पिता श्री गोपाल चंद्र सन 1959 में लिखित नाट्य से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम पुराने समय में जाएं और ये देखें कि नाटक हमारा कहाँ से आरंभ हुआ था, तो ये हमें ये देखने को मिलेगा कि भरतेंदु हरिश्चंद्र के जो पिता थे 1859 में उन्होंने नाटक लिखना आरंभ किया था। प्रथम मंचित नाटक का श्रेय शीतल प्रसाद त्रिवेदी की के जानकी मंगल को जाता है, जो बनारस थिएटर, जो कि पुराना बनारस थिएटर है, सन 1868 में मंचित किया, जिसमें भरतेंदु ने स्वयं पहलवारी एक कलाकार के रूप में अभिनय किया था। ठीक है, तो जिसमें भरतेंदु ने क्या करा था, खुद ने नाटक भी किया था। फिर आता है, बाद में अपने देवसेना में भरतेंदु ने 18 नाटक लिखे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, भरतेंदु ने बहुत बड़ी संख्या में नाटक लिखे जो कि 18 थी। भरतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार 1875 में सत्य हरिश्चंद्र, 1876 में भारत दुर्दशा, सन 1878 में अंधेरी नगरी आदि नाटकों के आधुनिक संसार की नींव डाली। ठीक है, तो इन्होंने ये भरतेंदु ने ये सब क्या लिखे थे, नाटक को प्रस्तुत किया और उन्हें लिखा। इसी प्रकार भरतेंदु के बाद जयशंकर प्रसाद ने 1936 में स्कंदगुप्त मैथिलीकरण, शरणगुप्त ने सन 1916 में तिलोत्मा, 1922 में
चंद्रहास 1925 में, 1925 आगे हमें जाएंगे कि अभिनय में कौन कौन अंग है, ठीक है। तो ये सब नाटक प्रस्तुत किए थे बड़े बड़े नाटककारों ने। फिर आता है अभिनय के अंग, नाट्यवादन, नाट्य विज्ञान के मुख्य पांच अंग, ठीक है। तो नाटक करने के कुछ मुख्य पांच अंगों को बताया गया, वो है मुखमुद्रा, शारीरिक भिंगम, गति, वेग, वाणी। तो ये सब चीजें नाटक के अंतर्गत है, एक महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। बालकों पर नाटकों, नाटक का शैक्षिक प्रभाव, ठीक है। तो बालक का नाटक पर शैक्षिक प्रभाव क्या क्या पड़ता है ये देख लेते हैं। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है, नाटक समाज का दर्पण है। नाटक क्या है, समाज का दर्पण है। समाज में घट रही घटनाओं को हम नाटक के माध्यम से देखते हैं, जिसका प्रभाव बालकों पर अधिक पड़ता है, ठीक है। तो नाटक के प्रभाव बालकों पर अधिक पड़ता है, समाज में जो चीज़ें चल रही है वही बच्चे नाटक के थ्रू देखते हैं और उसको उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। सकारात्मक और स्वस्थ चरित्र वाले नाटकों का प्रभाव बालकों व्यक्तित्व पर पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम अच्छे प्रकार के नाटक अपने बच्चों को दिखाते हैं तो इससे क्या होता है, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समाज की ज्वलंता समस्याओं को अपना हिस्सा मानते हैं और समाज रूप से उन सरोकारों पर बल बालक जोड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी समाज में समस्याएं चल रही हैं उसका हम देखते हैं, ठीक है। और बालक क्या करता है, उन चीज़ों को अपने आप को उन स्थानों पर रख के महसूस करता है, उन समस्याओं को जानकर एक सामाजिक परिवर्तन लाने में सफलता मिलती है, ठीक है। तो जिन समस्याओं को हम नाटक के थ्रू जान पाते हैं उनको समाप्त करने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, जैसे नशा सेवन, बाल विवाह, नारी शिक्षा, जैसे नाटकों का प्रभाव बालकों के संवेदनाओं पर अधिक पड़ता है। नैतिक मूल्यों का प्रभाव, बालक मंच पर नाटक को देखकर मर्यादित आचरण करना सीखते हैं, ठीक है। तो बालक क्या करते हैं, नाटक को देखकर, मंच पर नाटक को देखकर क्या करते हैं, मर्यादित जैसा उसमें दिखाया गया वैसे प्रकार की करने की कोशिश करते हैं। आदर्श चरित्र को अपनाते हैं और नैतिक मूल्य और सामाजिक आदर्शों को देखकर उनसे सीखते हैं, ठीक है। तो बालक क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, नैतिक मूल्यों में सिंपल सी बात है कि बालक जो चीज़ें देखते हैं वही चीज़ें वो समझने की कोशिश करते हैं और करते हैं। जैसे कि अगर हम रामलीला की बात करें तो रामलीला भी एक प्रकार का नाटक है, ठीक है। तो अगर बालक उन्हें देखते हैं तो वो अच्छे प्रकार से आचरण करने की कोशिश करते हैं, परंतु अगर वो किसी और प्रकार का नाटक देखे जिसमें नशा करना या फिर स्त्री जो बाल विवाह होता है इन सबके बारे में बताया गया है, ठीक है, और इन सबको प्रोत्साहित किया गया अगर इन चीज़ों को, तो वो बच्चों के दिमाग में वही चीज़ें भर जाती हैं। फिर आता है चारित्रिक मूल्यों का निर्माण, बच्चों का चरित्र का जो निर्माण है वो नाटकों के थ्रू ही होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों पे किस प्रकार का नाटक दिखा रहे हैं, ये इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाटक और दृश्य कला से रिगार्डिंग ये सारे आपके आज के पॉइंट्स थे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप जाके टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको जो नोट्स की अपडेट्स हैं साथ में हमारी वीडियोस की अपडेट हैं वो सब आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। और वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके नोट्स चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।